और सर हमें तो लगता है कि 9 महीनों से जिस मुद्दे को आप चला रहे हैं, वास्तव में जब तक इस मुद्दे पे देश आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अभी आदरणीय राजाराम त्रिपाठी जी कई पीछे के नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, उस समय वास्तव में भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया थी, क्योंकि उस समय वास्तव में हमारे पास ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जो पूरी दुनिया को दिशा और दशा तय करती थी। लेकिन अभी राजा राम त्रिपाठी जी ये भी कह रहे थे कि अभी 200 विश्वविद्यालय की लिस्ट बनी जिसमें कोई 174 नंबर पर है, कोई 175 नंबर पर है। तो जब आज हमारे देश के विश्वविद्यालय 174 और 175 नंबर पर हो तो हम किस प्रकार से विश्व की दशा और दिशा को तय कर पाएंगे, ये सोचने का विषय है सर। अब सर हम आते हैं अपने मुद्दे पर। पिछले 10 वर्षों से हम लोगों की डिग्री में कहीं कोई कमी नहीं है। इलाहाबाद, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देशन में हमारी नियुक्ति हुई थी। हम विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं, एक ही छत के नीचे 3 प्रकार की व्यवस्था आप बनाते हो। अरे ऐसा क्यों? क्या हमारी डिग्री किसी से कम है? क्या हमारी शिक्षा किसी से कम है? फिर हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? और ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको अपना आदर्श मानती है और कहती है एक देश एक विधान एक संविधान। तो फिर जब एक देश एक विधान एक संविधान की बात होती तो एक ही विद्यालय में एक ही डिग्री और हमसे कहीं ना कहीं कम डिग्री भी है सर। हमारी जो डिग्री है उतनी डिग्री उस विद्यालय में हम लोग की डिग्री के बराबर। हम आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदारी पूर्वक के बात कहना चाहते हैं कि जितनी हम लोगों की डिग्री है वास्तव में उस विद्यालय में जो पहले से कार्यरत लोग हैं उनकी डिग्री हमारे इतना नहीं है। लेकिन हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो पाता है? क्यों हमारे साथ अन्याय होता है? अभी मोदी जी कल परसों भाषण दे रहे थे कि हम तृप्तिकरण की बात करेंगे। माननीय मोदी जी हम आपके इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन हम आपसे यह भी पूछना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक को आप कम तृप्त करोगे। आप तो तृप्तिकरण की बात कह दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आप इसी प्रदेश के बनारस से सांसद हैं, अब तब जाकर प्रधानमंत्री बने हैं और आपके ही प्रदेश में आज उच्च शिक्षा लेकर हम लोग 9,000-7,000 पर नौकरी करते हैं, हम फुल टाइम जॉब करते हैं और उसके बाद भी आपके अधिकारी एसी कमरों में बैठकर कहते हैं कि ये 2 से 3 घंटा काम करने वाले लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, देश के इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप उन अधिकारियों को एसी कमरों से बाहर निकालिए और उनको कहिए कि आप उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जाओ और पता करो कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक वहां करता क्या है, और एक बच्चों से पूछो कि जब से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक बेसिक शिक्षा विभाग में आया है उन बच्चों की क्वालिटी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये आप किसी निजी कंपनी से सर्वे करा लीजिए। और मोदी जी आपने जो नई शिक्षा नीति लाई है